हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। क्लास 8th में हम लोगों ने पढ़ा था पहला चैप्टर रैशनल नंबर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को जाना, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा और रैशनल नंबर के बारे में सीखा। इस चैप्टर में हम उसी नॉलेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर्स, जैसे 3, 4, डेसिमल नंबर्स 4.5, 3.7, फ्रैक्शंस 1/10, 3/2, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया इसका रैशनल नंबर, एंड सेकेंड वन इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने आर्ट क्लास 8th में सुना होगा, लेकिन इरेशनल नंबर्स ये आपके लिए एकदम नया होगा। तो पहले हम थोड़ा बहुत रैशनल नंबर्स के बारे में और जान लें। तो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। लेकिन ये यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या हैं? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 3, अब कोई बोलेगा कि 3 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं, लेकिन 3 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1। यहाँ पी क्या है? 3, क्यू क्या है? 1, ये दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स, और क्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, क्यू क्या है यहाँ पे? 1। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 4.5, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? 4.5 कैन बी रिटन एज 45/10। अब ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। पी क्या है यहाँ पे? 45, और क्यू क्या है? 10, और क्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2/3। अब ये देखने में लग रहा है कि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एकदम है ही नहीं, लेकिन ये भी इनफैक्ट क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 2/3 ये कितना होता है? 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/1, और ये भी क्या हो गया? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। यहाँ पी और क्यू दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं, और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। 0 क्या है? क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है। क्यों? दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 0/1। फिर देखिए, पी इंटीजर है यानी 0, 0 क्या है? इंटीजर। क्यू, क्यू यहाँ पे 1 है, और 1 भी क्या है? इंटीजर है। यानी ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। यानी 0 भी क्या है? रैशनल नंबर है। 0 के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर।
लेकिन अगर हम कोई नंबर दे दिए 7/0, क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रैशनल नंबर के डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये p बाई क्यू के तो फॉर्म में है, यहाँ p भी इंटीजर है, 7 इंटीजर है, और q भी क्या है? इंटीजर है ना? लेकिन यहाँ पे q किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। लेकिन रैशनल नंबर में q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसीलिए 7/0 रैशनल नंबर नहीं है, है ना? तो कोई भी नंबर आपको मिल जाए जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना, तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। अब रैशनल नंबर को हम आगे दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा एक दो क्लास के बाद ही पढ़ेंगे। पहले हम सीखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अगर कोई दो रैशनल नंबर्स दिया है तो हम उनके बीच में और अधिक रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो रैशनल नंबर दिए गए हों 2 और 3, और हम आपसे पूछे कि इनके बीच का कोई एक रैशनल नंबर बताओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक बीचों बीच, ठीक बीच का नंबर इनके क्या हो सकते हैं? 2.5। इसको हमने कैसे फाइंड किया? 2 + 3/2, 2 + 3/2, ये किसके इक्वल होगा? 2.5। और 2.5 किसके बीच में है? 2.5 2 से क्या है? बड़ा है, और किससे छोटा है? 3 से छोटा है। यानी 2.5 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर है। तो क्या किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हम क्या एक ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? नहीं, हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, है ना? जैसे 2 और 3 के बीच में दूसरा रैशनल नंबर क्या हो सकता है? 2.1, और दूसरा क्या हो सकता है? 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.75, 2.899, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब 2 और 3 के बीच के क्या हैं? रैशनल नंबर है। यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? आप लोगों ने 8th में एक या दो तरीके पढ़े होंगे, उसी को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम 2 और 3 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। 2 हो गया ये 2/1, और 3 को कैसे लिख लिया हम लोगों ने? 3/1। अब क्या करते हैं हम लोग? 2 और 3 के बीच के गैप को क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? तो पहले हम दोनों का, पहले हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/1 क्या हो सकता है? अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो 2 × 10/1 × 10, और ये क्या हो गया? 3 × 10/1 × 10, क्या बन गया ये? 20/10 and 30/10। अब 20/10 और 30/10, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? बहुत सारे।
21/10, 22/10, 23/10, ऐसे हम कहाँ तक जा सकते हैं, 29/10 तक जा सकते हैं, है ना। तो कितने रेशनल नंबर हो गए, 20/10 इज लेस देन 21/10, लेस देन 22/10 इज लेस देन 23/10, ऐसे कहाँ तक हम जा सकते हैं, 29/10 तक जा सकते हैं, एंड लेस देन 30/10। और 20/10 और 30/10 क्या है, 2 और 3, यानी ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 2 और 3 के बीच के रैशनल नंबर्स हैं। और अधिक हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो, जैसे कोई पूछे कि 2 और 3 के बीच में 15 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर के गैप को और अधिक इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई ना करके क्या कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 200, डिनोमिनेटर हो जाएगा 100, इसमें न्यूमरेटर हो जाएगा 300 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 100। अब 200 और 300 के बीच में हम कई सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अगर ए और बी दो रैशनल नंबर्स हो एंड ए किससे लेस हो, बी से लेस हो, ए और बी दो रैशनल नंबर्स हो और ए किससे लेस हो, बी से, यानी ए लेस देन बी, तो इनके बीच में अगर कोई एक रैशनल नंबर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये तो सबको पता है, दोनों को ऐड करेंगे और टू से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यानी इनके बीच का फर्स्ट रैशनल नंबर अगर मान लें Q1 हुआ, तो Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां a और b क्या है, रैशनल नंबर्स, a एंड b रैशनल नंबर्स, तो इनके बीच का एक रैशनल नंबर क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर Q1 इनके बीच का है तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि a इज लेस देन Q1 एंड Q1 इज लेस देन बी। अब दूसरा रेशनल नंबर इनके बीच का फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं, या तो एक रेशनल नंबर हम Q1 और B के बीच में फाइंड कर ले, वो भी क्या हो जाएगा, अगर वो रेशनल नंबर Q1 और B के बीच में होगा यानी वो A और B के भी बीच में होगा, या दूसरा रेशनल नंबर हम फाइंड कर ले A और Q1 के बीच में, तो अगर वो रैशनल नंबर a और q1 के बीच में होगा तो वो a और b के भी बीच में होगा, तो या तो हम a और q1 के बीच में फाइंड कर लें या q1 और b के बीच में फाइंड कर लें। तो मान लीजिए हम q1 और b के बीच में फाइंड करते हैं तो क्या हो सकता है, तो वो रैशनल नंबर मान लिए कि किसके इक्वल हो गया, q2 के इक्वल हो गया, तो q2 किसके इक्वल हो जाएगा, q1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये q2 किसके बीच का रैशनल नंबर है, q1 और b के बीच का, यानी अगर q2 q1 और b के बीच का होगा तो वो a और b के भी बीच में होगा, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, a लेस देन q1 लेस देन q2 लेस देन b। अगर तीसरा रैशनल नंबर ऐसे ही फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब हम q2 और b के बीच में फाइंड कर लें या a और q1 के बीच में फाइंड कर लें या q1 और q2 के बीच में फाइंड कर लें, तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर किसके बीच में होंगे, वो सारे के सारे रैशनल नंबर a और b के बीच में होंगे। तो अगर q3 फाइंड करना हुआ तो क्या कर सकते हैं हम लोग, q3 इक्वल्स टू q2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां पे a लेस देन q1 लेस देन q2 लेस देन q3 लेस देन b, यानी a और b के बीच का तीन रैशनल नंबर क्या क्या हो गया, q1 q2 q3 q1 क्या है a प्लस बी बाई 2, q2 क्या है q1 प्लस बी बाई 2, तो यहां q1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस बी बाई 2 से, और q3 क्या है q2 प्लस बी बाई 2, q2 को किससे रिप्लेस करेंगे, जो q2 की वैल्यू हम
इसके पहले वाले स्टेप में फाइंड किए हैं उससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर किसके बीच में हो जाएंगे, ए और बी के बीच में होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें 1/3 और 1/2 के बीच में तीन रैशनल नंबर फाइंड करने, थ्री रैशनल नंबर्स, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे भाई? a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले ये हम लोग डिसाइड कर लें कि 1/3 और 1/2 में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ये तो सबको आता होगा, है ना? न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वैसे भी अगर डिवाइड करके हम देखें तो 1/3 क्या आएगा, 0.333, और 1/2 क्या आएगा, 0.5। तो 0.333 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है? ऑब्वियसली 0.5 बड़ा है। दिस मीन्स 1/3 इज लेस देन 1/2। तो अगर इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? Q1 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा, 1/3 और 1/2 को हम लोग ऐड करेंगे तो LCM होगा 6, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 2, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया, 5/6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 × 2 12। यानी Q1 क्या हो गया, 5/12। 5/12 किसके बीच में है, 1/3 और 1/2 के बीच में। अब हम क्या फाइंड कर लें, 5/12 और 1/2 के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड कर लें, है ना? तो वो रैशनल नंबर जो आएगा वो किसके बीच में होगा, वो 1/3 और 1/2 के बीच में तो होगा ही होगा, है ना? तो Q2 क्या होगा, Q2 इक्वल्स टू 5/12 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया, ये LCM तो 12 ही होगा, ये हो गया 12, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं 5, और इसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 6 × 1 = 6 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया, 11/12 डिवाइडेड बाय 2, यानी 11/24। यानी Q2 जो है वो 5/12 और 1/2 के बीच का नंबर है। 11/24 किसके बीच का रेशनल नंबर है, 5/12 और 1/2 के बीच का। यानी ये अगर 5/12 और 1/2 के बीच में होगा तो ऑब्वियसली ये 1/3 और 1/2 के भी बीच में होगा। और अगर हमें तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करना हुआ तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेम वैसे ही Q3 इक्वल्स टू 11/24 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा, ये LCM तो 24 ही होगा, ये हो गया 11 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 12 = 24, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2। दिस बिकम्स 11 + 12 = 23, तो 23 डिवाइडेड बाय 24 × 2 48। यानी ये 48 किसके बीच का रेशनल नंबर हो गया, 11/24 और 1/2 के बीच में। यानी Q1, Q2 और Q3 ये सब के सब किसके बीच के रेशनल नंबर है, 1/3 और 1/2 के बीच में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 लेस देन 5/12 लेस देन 11/24 लेस देन 23/48 लेस देन
वन बाई टू। क्लियर हुआ? अगर हमें थ्री से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे तो क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे क्यू थ्री और वन बाई टू के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। ऐसे ही इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो कैसे करेंगे? टू रिप्रेजेंट 2/3 ऑन अ नंबर लाइन, तो उसके पहले हमें चेक करना चाहिए कि जो भी रैशनल नंबर हमें मिला है नंबर लाइन पे वो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से लेस हो, छोटा हो, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/3, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी 2/3 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखिएगा, जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर किससे लेस हो, डिनोमिनेटर से, वो कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ज्यादा हो, मोर हो, वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3, 5/3 में 5 क्या है न्यूमरेटर, 3 क्या है डिनोमिनेटर, एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो 5/3 क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग इसके बाद सीखेंगे। पहले किसको सीख लें? प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो जैसे 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? नंबर लाइन ड्रा करेंगे। अब नंबर लाइन क्या होता है? एंडलेस। तो उस लाइन के दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे? एरो। अब नंबर लाइन में ठीक बीचों बीच क्या होता है? जीरो होता है। राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। और लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, इधर ये राइट साइड में आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर जगह दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का गैप क्या हो? सेम हो। ये नहीं कि एक जगह गैप 1 सेंटीमीटर हो जाए और एक जगह गैप 2 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसे नहीं। हर जगह गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब 2/3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे? तो ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 point something। जैसे 2/3 इसको डेसिमल में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा? 0.6, 0.666 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, है ना? यानी 0.6 something आया। और 0.6 किसके बीच में होगा? क्लियर है ये, 0 और 1 के बीच में। अगर कोई नंबर हो 1 point something तो वो किसके बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। अगर कोई नंबर है 3 point something, जैसे 3.7, तो वो किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में। कोई नंबर है 10.79, वो किसके बीच में होगा? 10 और 11 के बीच में। कोई नंबर दे दिया मान लो -5.3, तो वो नंबर किसके बीच में होगा? वो नंबर होगा -5 और -6 के बीच, ये ध्यान रखना।
तो अभी ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 point something होती है, यानी वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। यही अगर ये निगेटिव में होता -2/3 तो वो किसके बीच में लाई करता? 0 और -1 के बीच में लाई करता। तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम सबसे पहले क्या देंगे, क्या ध्यान देंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? 3, है ना। तो 0 और 1 के बीच के पार्ट को हम क्या करेंगे? 3 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने ही हम डिविजन्स करेंगे। किसके बीच के? 0 और 1 के बीच का जो पार्ट होगा ना, उसको हम 3 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको 3 इक्वल डिविजन में डिवाइड करते हैं। तो 3 इक्वल डिविजन में डिवाइड करने के लिए हमें बीच में कितने लाइन ड्रा करने पड़ेंगे? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि 3 लाइन्स, जबकि नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइन्स की जरूरत होगी। जैसे कोई लाइन ले ली, हम इसको बोलें कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो केवल 2 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। 1 2, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। अगर इसको हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना हो तो बीच में कितने लाइन्स ऐसे ड्रा करने पड़ेंगे? ओनली 4 लाइन्स, 1 2 3 4। यानी 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 लाइन्स चाहिए बीच में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने लाइन्स चाहिए? 2 लाइन्स चाहिए। 7 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो कितने लाइन बीच में हम ड्रा करेंगे? 6 लाइन्स। तो यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल डिविजन्स। तो बीच में कितने लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी? केवल 2 लाइन्स, ओनली 2 लाइन्स। तो 1 2। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि ये डिविजन्स क्या हों? इक्वली स्पेस्ड हो, मतलब ये गैप हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। अब न्यूमरेटर देखेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद क्या चेक करेंगे कि इसका न्यूमरेटर क्या है? जो रैशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर क्या है? तो न्यूमरेटर क्या दिया है? 2 दिया है ना, यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां पे सेकेंड पार्ट, सेकेंड डिविजन एंड होगा, वही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 2/3 को। तो फर्स्ट डिवीजन कहाँ एंड हुआ? यहाँ पे। और सेकेंड डिवीजन कहाँ एंड हुआ? यहाँ पे। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, वो किसको शो कर रहा है? 2/3 को। क्लियर हो गया? इसके बाद वाला पार्ट क्या होगा? इसके बाद वाला ये पॉइंट क्या होगा? 3/3। हम चेक भी कर सकते हैं क्या वास्तव में ये 2/3 है कि नहीं। देखिए 2/3 से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? 3/3। और 3/3 क्या होगा? 1। इधर से भी हम चेक कर सकते हैं, 2/3 के पहले क्या होगा? 1/3। 1/3 के पहले क्या होगा? 0/3। और 0/3 क्या होता है? 0। यानी जो पॉइंट हमने शो किया है नंबर लाइन पे, उसको हमने करेक्ट शो किया है। चेक भी कर सकते हैं हम लोग। यही अगर -2/3 आता तो क्या करते? इसी प्रोसेस को सेम लेफ्ट साइड में करते, इसी सेम यही प्रोसेस होता, बस उसको क्या करते? 0 के लेफ्ट साइड में करते। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है 3/5 को नंबर लाइन पर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये ध्यान देना दोनों तरफ क्या हो? एरो हो, क्योंकि नंबर लाइन क्या होता है? एंडलेस होता है। कहीं एक 0 दे देंगे, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। तो इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, ऐसे ये आगे बढ़ेगा, इधर होगा -1। तो नंबर लाइन को हम एक पेज में, तो पूरे नंबर लाइन को एक पेज में तो हम शो कर नहीं सकते ना, तो उसका एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। अब है ये 3/5, तो पहले चेक करेंगे ये कैसा फ्रैक्शन है। क्लियर है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा किसके बीच की होती, किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में। यानी ये नंबर जो है वो 0 point something है। वैसे भी 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.6। यानी 0.6 किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में।
तो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो 5 है, यानी 0 और 1 के बीच का जो पार्ट है ना उसका हम कितना इक्वल डिवीजन करेंगे, 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। और 5 इक्वल डिवीजन करने के लिए बीच में हमें कितने लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी, ओनली 4 लाइंस, अभी अभी मैंने बताया था, तो ओनली 4 लाइंस, तो 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, देखिए कितने डिविजन्स हो गए, 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिविजन्स हो गए। अब न्यूमरेटर इसका चेक करेंगे, न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर 3 है, तो क्या करेंगे हम, जहां थर्ड डिवीजन एंड हो रहा होगा वही पॉइंट क्या होगा, 3/5 को शो कर रहा होगा। तो फर्स्ट डिवीजन कहां एंड हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन देखिए यहां पे एंड हो रहा है, सेकेंड डिवीजन यहां एंड हो रहा है, और थर्ड डिवीजन कहां एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, यानी यही पॉइंट किसको शो कर रहा है, 3/5 को। इसको हम चेक भी कर सकते हैं क्या हमने सही रिप्रेजेंट किया है कि नहीं, इसके जस्ट आगे वाला पार्ट जहां एंड हो रहा होगा वो क्या होगा, 3/5 के बाद 4/5, उसके जस्ट आगे वाला पार्ट 5/5, और 5/5 क्या होता है, 1, यहां पे 1 है भी, यानी हमने नंबर लाइन पे सही रिप्रेजेंट किया है। लेफ्ट साइड से भी हम चेक कर सकते हैं, 3/5 के पहले क्या आएगा, 2/5, 2/5 के पहले क्या आएगा, 1/5, और 1/5 के पहले क्या आएगा, 0/5, और 0/5 क्या होता है, 0, और यहां पे 0 है भी, यानी 3/5 को हमने नंबर लाइन पे सही सही रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बात आई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो 0 और 1 के बीच में होता नहीं है, लाई करता नहीं है, तो उसको देखते हैं कि नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 8/5, यहां पे ध्यान दीजिए न्यूमरेटर क्या है, 8, डिनोमिनेटर क्या है, 5, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 8 इज ग्रेटर देन 5, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, शॉर्टकट में मैंने लिखा है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है, वो हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स या 5, रिमाइंडर कितना बचा, 3, यानी ये कितने के इक्वल हो गया, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 8/5, तो 8/5 को जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, 1+3/5, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/3/5, 1/3/5 का मतलब 1+3/5, तो 1+, देखिए ये 3/5 क्या है, ये 3/5 है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 point something, और उसमें अगर हम 1 ऐड किए, 0 point something में 1 ऐड किए तो वो क्या हो जाएगा, 1 point something, क्लियर हो रहा है, यानी 8/5 हो गया 1 point something, 1+3/5, यानी ये नंबर किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। तो अब इसका हम नंबर लाइन पर रिविजन करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, इधर हो गया -1, अब ये नंबर 1 और 2 के बीच में है, यानी इसके बीच में है, यानी ये नंबर
इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा ना। फिर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर कितना है, 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी देखिए क्या है, 5 है। यानी अगर ये नंबर 1 और 2 के बीच में है तो 1 और 2 के बीच का जो पार्ट है ना उसको हमें कितने इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है, इसको हमें 5 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए बीच में कितने लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी, 4 लाइंस। वो 4 लाइंस जैसे 1 2 3 4, 4 लाइन हम बीच में ड्रा किए तो कितने इक्वल पार्ट हो गए, 5 इक्वल पार्ट। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसका हम न्यूमरेटर देखेंगे। अब न्यूमरेटर हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं देखेंगे, हम जब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए तो उसका न्यूमरेटर क्या है ये देखना है। तो उसका न्यूमरेटर क्या है, 3। उसका न्यूमरेटर क्या है, 3। तो जहां थर्ड डिवीजन एंड होगा वही पॉइंट क्या होगा, 8/5 होगा। तो 1 2 3, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, 1 whole 3/5, यानी 8/5। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसके जस्ट बाद वाला पार्ट क्या होगा, ये क्या होगा, 9/5, और ये क्या होगा, 10/5। और 10/5 होता क्या है, 2 होता है। 10 में 5 से डिवाइड कीजिए कितना मिलेगा, 2। लेफ्ट साइड में भी हम चेक कर सकते हैं, जस्ट पहले क्या होगा, 7/5, उसके पहले क्या होगा, 6/5, और उसके पहले क्या होगा, 5/5, और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी दोनों तरफ से हमने चेक कर लिया, यानी ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यही अगर निगेटिव दिया रहता तो इसी काम को क्या करना था, सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड में करना था, सेम यही प्रोसेस किधर शिफ्ट हो जाता, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता। दैट्स इट। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, आगे फिर कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।